देखो, हमें तो जब से मोदी सरकार आई है हमें तो फायदा ही फायदा हुआ है, नुकसान हुआ नहीं। अगर मोदी सरकार अब कभी आए तो हमें तो और भी ज्यादा गुड लक है, फायदा है। भ्रष्टाचार इस सरकार में ज्यादा है या उस सरकार में ज्यादा था? नहीं, भ्रष्टाचार तो इस सरकार में ज्यादा नहीं लगा हमको, दूसरी वाली सरकार में ज्यादा था। क्या लगता है वो किसकी सरकार आनी चाहिए 2019 के चुनाव में? सरकार तो वैसे मोदी की सही है, ये जो चल रही है सरकार यही सरकार सही है। हम गरीब आदमी वैसे काम करते हैं ठेली का, इसीलिए ना ही कमेटी की दिक्कत है ना ही काहे की दिक्कत है, हमें आराम से खा कमा रहे, मौज ले रहे हैं, बाल बच्चों को पाल रहे हैं। रहने वाले मुरादाबाद के हैं, जिले के रह रहे, नोएडा में हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार में भी बहुत बढ़िया काम हो रहा था। और मोदी सरकार से पहले जैसे कांग्रेस थी तो उस सरकार में कुछ आपको ऐसे मुसीबतें का सामना करना पड़ता था? उस सरकार में तो बहुत मुसीबतें आई हमारे लिए, कभी कमेटी आ रही है ठेली ले जा रही है हमारी, नुकसान कर रही है हमारा, कभी कुछ कर रही है, अब इतना भी है कि कुछ घर के लिए भी दे रखा है, जैसे लेटरिन होगी, बाथरूम होगी, सब घर के लिए भी आता है, मिल चुकी है हमें, ऐसी बात नहीं है। वो आपको क्या लगता है जैसे भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार इस सरकार में ज़्यादा है या उस सरकार में ज़्यादा था? नहीं, भ्रष्टाचार तो इस सरकार में ज़्यादा नहीं लगा हमको, दूसरी वाली सरकार में ज़्यादा था, क्योंकि बार बार कमेटी आती थी, हमारा नुकसान होता था बार बार, यानी कि महीने में 4-5 बार कमेटी आ जाती थी, नुकसान होता था हमारा। अच्छा, जैसे आप राम मंदिर के बारे में तो जानते होंगे कि भाई अभी मोदी सरकार ने ये भी वादे किए थे भाई राम मंदिर बनवाया जाएगा, तो क्या वो अभी तक तो कुछ हो, उसका फैसला नहीं हो पाया कि भाई राम मंदिर बनेगा कि नहीं? और कल मोदी जी ने एक अपना एक इंटरव्यू के अपने जरिए अपना एक बयान भी दिया था कि भाई जो फैसला जो आएगा कोर्ट का उसके हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा कि सरकार के अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं, क्या कहिए? मैडम, हमारे लिए तो बहुत अच्छी सी बात है, हिंदुओं के लिए अगर राम मंदिर बनता तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। अगर राम मंदिर बन जाता तो कभी हम भी जाएंगे दर्शन करने के लिए वहाँ पे। और अगर 2019 में सरकार बदल जाती है तो क्या बदलाव आ जाएंगे? अब बदल तो जाएगी, अब सरकार बदलने पर ही पता चलेगा क्या उपलक्ष निकलता है। ऐसी तो दिक्कत आई नहीं मोदी सरकार में, जो भी करा बहुत बढ़िया करा है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, एमपी था, तो यहाँ पर तो एक तरीके से कांग्रेस की ही विजय हो गई है, पूरी तरीके से ही कांग्रेस आ चुकी है, तो क्या लगता है अगर यहाँ पर भी कांग्रेस आ गई तो? अब देखो मैडम, हम तो इस बात को कह नहीं सकते जहाँ हुई, अब हम तो अपने यहाँ का समर्थन कर सकते हैं कि हाँ हम योगी को चुने, मोदी को चुने। हाँ, योगी सरकार से खुश हैं? हाँ, योगी सरकार से। रोज़गार मिला है लोगों को? हाँ, रोज़गार बहुत मिला है उन लोगों को, नोएडा पूरा सुधर चुका है, सारे फुटपाथ बन रखे हैं, सारे बन चुके हैं, बन भी रहे हैं, पक्के करे जा रहे हैं, साफ सफाई का भी ध्यान दिया जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे चुनाव से पहले भी ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे ऐसे वादे किए जाते हैं, तो क्या उन वादों पर जो पार्टी होती है वो ऐसे खरी उतर पाती है? मैडम देखो, हर वादा आदमी नहीं निभा सकता, मगर यही है कि अगर 10-20 वादे कर दिए तो 2-4 वादे तो निभाएगा ही आदमी, ऐसी बात भी नहीं है कि पूरे पब्लिक के लिए सोच। ऐसा तो कांग्रेस ने भी किया कि अगर जो वादे किए थे तो कुछ वादे तो उसने भी निभाए हैं, फिर कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, अब देखो कांग्रेस में ज़्यादा नुकसान हुआ हमारा, ज़्यादा नुकसान। हाँ, कांग्रेस में ज़्यादा नुकसान हुआ, महीने में 2-4 बार ठेली उड़ जाती थी हमारी, जब से इनकी सरकार आई जब से कोई दिक्कत नहीं आई हमें। अच्छा, और महंगाई का क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ी है घटी है क्या हुई है? देखो, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से अब सैलरी भी बढ़ी है लोगों की, उस हिसाब से सारा काम धंधे बढ़े हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब महंगाई तो ये तो बढ़ने के ऊपर है, अब कभी बढ़ भी जाती है कभी कम भी हो जाती है, अब टमाटर का भाव है कभी 80 पहुँच जाता है, कभी 20 भी पहुँच जाता है, आज 10 रुपये चल रहा है, तो सरकार तो इनकी है, जैसा चलाने चाहे वैसे चला रहे हैं। अगर मतलब अगर चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो उस हिसाब से आमदनी भी बढ़ती है? हाँ, आमदनी भी बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में मैं खुद, मेरे घर में वैसे तो मम्मी हैं, पापा नहीं है, मेरी वाइफ है, 3 बच्चे हैं मेरे पास में, बड़ी लड़की है, 2 लड़के हैं। बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, शिक्षा दे पा रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 पढ़ने लायक नहीं है। उनकी शिक्षा में कोई ऐसा कुछ कमी या ऐसा तो नहीं है कि कुछ कमी रह जाती है कि भाई हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें पर नहीं हो पाता है? नहीं नहीं, अभी सरकारी स्कूल में जाते हैं मेरे बच्चे, प्राइवेट में नहीं गिर रखे, उन्हें हर चीज़ मिल रही है, बस्ता जैसे कि किताब का भी सब सुविधा मिल रही है उन्हें। पर सरकारी स्कूल में होकर भी क्या उन पर फोकस कर पा रहे हैं, मतलब लोग उन जो टीचर हैं वो उन पर ध्यान दे पा रहे हैं? हाँ हाँ जी, ध्यान देते हैं पूरा, हम भी जाते हैं, हमारी वाइफ भी जाती है कभी कभी स्कूल में मिलने के लिए, जो सिखाते हैं वो सवाल भी करते हैं घर पे लाके,
हमें भी दिखाते हैं, पापा ये सवाल दिए थे, ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सरकारी स्कूलों का जैसे नाम खराब था कि बस बच्चे बैठे रहते हैं या टीचर बैठे रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाके भी देखा हमने, दो चार बार जाके भी देखा। बदलाव आए हैं मतलब इस सरकार में। हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे कि अगर मोदी सरकार आ जाती है फिर से 2019 में, तो कुछ ऐसा है कि भाई ये बदलाव और ले आए तो हमारे लिए और अच्छा होगा? देखो, हमें तो जब से मोदी सरकार आई है हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ नहीं। अगर मोदी सरकार आपके भी आए तो हमें तो और भी ज़्यादा गुड लक है, फ़ायदा है। कुछ ऐसा जो आप चाहते हो कि विकास में शामिल हो? अब विकास में क्या शामिल होंगे, अब ये इतना ही है कि हम रहने वाले यहीं के नहीं हैं या रहने वाले मुरादाबाद के हैं, जहाँ अब अगर वोट का भी मसला पड़ता हमें तो डालने जाते हैं हम। मुरादाबाद आप वोट डालने जाते हैं? हाँ जी, वोट डालने वहीं पे जाते हैं, गांव में प्रधानी के हों या किसी के भी इलेक्शन हो तभी वोट डालने जाते हैं हम, अपना कैंसिल नहीं करते वोट। बहुत अच्छा है जो आप वोट डालने के लिए जाते हैं, धन्यवाद।